दोस्तों, जानवर हमेशा से कुछ न कुछ कांड करते रहते हैं, लेकिन सभी लोग इनके इस अतरंगी कांड को नहीं देख पाते हैं, और इसीलिए हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए जानवरों के ऐसे ऐसे मोमेंट लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आपको अपनी हंसी कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो यार, आज की ये वीडियो काफी फनी और मजेदार होने वाली है, तो इसे बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। ये है एनिमल मोमेंट 65। अब जरा डक्स की इस गैंग पर एक नजर मार लीजिए, जो यहाँ दीवार के पीछे छुपकर पता नहीं कौन सी प्लानिंग को अंजाम देने की बातें कर रहा है। खैर, बात कुछ भी हो, इनकी ये खतरनाक प्लानिंग देखकर तो यही लगता है कि इस जगह के आसपास का खाना खतरे में है। बॉस बॉस बॉस, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक स्कीम है, 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी एनिमल मोमेंट मिस ना कर पाए। बंदर हमेशा ही मस्ती के और खाने पीने के मूड में होते हैं, जो खाने के लिए किसी से भी भिड़ जाते हैं, या फिर कहो सामने वाले को उंगली करके अपना खाना हड़प लेते हैं। लेकिन सभी बंदर ऐसे हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ ये बंदर भाई साहब स्कूटी की सीट खोलकर पता नहीं क्या रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है, जो शायद मैकेनिक बनने की ट्रेनिंग लेकर आया है। वैसे अगर आपके भी बाइक में कुछ प्रॉब्लम है तो अपनी गाड़ी इस बंदर भाई के पास जरूर ले जाइए, जो गाड़ी की वाट मेरा मतलब है ठीक करा कर देगा। आप भी ठीक करके जाता हूँ। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। इसका पूरा गियरबॉक्स बाहर निकालना पड़ेगा। कुछ लोग पता नहीं क्यों जानवरों को उंगली करते हैं, जबकि सामने वाला जानवर उन्हें कुछ भी नहीं कर रहा होता है। लेकिन जब सामने वाले जानवर का दिमाग घूम जाता है, तब उसका बदला कैसा होता है, ये आप इस क्लिप में देख लीजिए। यहाँ एक लेडी इस कैट पर पानी उछाल रही है, जबकि बिल्ली उससे काफी दूर खड़ी थी। कई देर तक पानी उछालने के बावजूद आंटी जी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस वजह से बिल्ली को गुस्सा आया और उसने आंटी की घंटी बजा डाली। अरे जाती है तो जाने भाई। बस हवा निकल गई, जिसने आंटी जी के पिछवाड़े को टारगेट करके हमला कर दिया, जिसके बाद आंटी वहां से भाग निकली। इसीलिए कहते हैं खाली फोकट किसी को उंगली नहीं करनी चाहिए, वरना खुद का ही बैंड बज जाता है। आजकल रास्ते और गाड़ियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि हमें जंगल में भी रास्ते बनाने पड़ रहे हैं, जिस वजह से जानवर रास्ते के बीचों बीच टहलने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे कि इस काऊ को देख लीजिए, जो हाईवे के बीच में आ गई और सभी गाड़ियों के बीच में वॉकिंग कर रही है, जिसका ये कारनामा सीसीटीवी में कैप्चर हो गया और पुलिस को वहां आना पड़ा, जिसके बाद पुलिस भी उसे वहां से भगाने के चक्कर में थक गई। लगता है आज ये काऊ अपना वजन कम करके ही मानेगी। इधर दौड़ा है, उधर दौड़ा है, ये जीना यारों दौड़ा है, कोई आगे है, कोई पीछे है, अच्छा मेरा पीछे पीछे नहीं आने का। लोग जू में इसलिए आते हैं ताकि वो शांत बैठे जानवरों को देख सके, लेकिन यहाँ इस जू में कुछ और ही नजारा देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें बंदरों की टोली जो गाड़ी हाथ में आई उसे लेकर भागने में लगे हैं, जिन्होंने शायद मैराथन में हिस्सा लिया है या फिर ये बाइकर गैंग के मेंबर हैं। खैर, ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन फिर भी ये सारे मिलकर ऐसा क्यों कर रहे हैं पता नहीं। अगर आप में से किसी को कुछ समझ आता है तो हमें भी कॉमेंट्स में जरूर बताएं। अब जरा हमारी इस मेहनती बिल्ली को भी देख लीजिए, जिसकी मेहनत देखकर आप खुद थक जाएंगे। ये बिल्ली इस गाड़ी पर चढ़ती है और ऊपर जाकर इस दीवार को पार करने का ट्राई करती है, जिसके शुरुआत मिशन फेल हो जाता है। बाद में इसने फिर से एक बार अपने मिशन को करना चाहा, लेकिन दूसरी बार भी यही हुआ, जिस कारण ये बेचारी खुद ही डिमोटिवेट हो गई और वहां से चली गई, जिससे शायद ये पता चल गया कि ये काम उससे नहीं होने वाला। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया? गया। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। You're the last one. Complete the mission. मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। माउंटेन शीप के बाद गोट ही एक ऐसा जानवर है जो सभी को बेवजह हेडशॉट देना पसंद करता है, जिन्हें पता नहीं ऐसा कांड करने में कौन से मजे मिलते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ ये गोट भी इस लड़की को हेडशॉट देने की कोशिश भी है, लेकिन आखिर तक गोट ने लड़की को कुछ भी नहीं किया, जो कह रही होगी आज मुझे सिर्फ डराने का मन है, हेडशॉट कल दे दूंगी।
तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 66 चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए पार्ट 66। मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। ए श्याम, ए पागल मत बन, लगेगा, अरे लगेगा मेरे को। ये मार, मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का, मार। यहाँ इस कुत्ता भाई ने भैंस को चारा लाकर दिया ताकि वो बाद में उस पर बैठकर गार्डन की सैर कर सके। शायद इसे ही कहते हैं बिजनेस। क्यों सही कहा ना बॉस? दिस इज बिजनेस। आ गई माल, आ गया आ गया आ गया। आगे से लेफ्ट टर्न। आप में से कई लोगों ने बेबी एलिफेंट को तो जरूर देखा होगा, जो इंसानों के साथ बड़े प्यार से रहता है, जिन्हें हमारे साथ मस्ती करने में बड़ा मजा भी आता है। ठीक वैसे ही यहाँ ये एलिफेंट इस लड़की के साथ खेल रहा था, जो खेल में कम रहा है और इस लड़की का स्कर्ट ज्यादा खींच रहा है। इस एलिफेंट की हरकत देखकर तो यही लगता है कि इसको लड़की का ये स्कर्ट जरा ज्यादा ही पसंद आ गया, जिस कारण ये ऐसी हरकतें कर रहा है। क्यों सही कहा ना बॉस? तो मैंने किधर बोला लड़का है? अरे अरे धोती, ये तो सलवार कमीज पहना है, धोतर नहीं पहना रही। निकल गई निकल गई। निकली नहीं? अरे बाबा तेरा चश्मे का नंबर ठीक करा। हम जब भी बंदरों को देखते हैं तब ये इंसानों के साथ ही पंगे लेने में या फिर कहो हमें उंगली करने का काम कर रहे होते हैं, ताकि हम तंग आकर इन्हें कुछ खाने के लिए दे सके। लेकिन एक शख्स ने हमारा सबका बदला इस बंदर भाई के साथ ले लिया, जो इस बंदर पर लेजर लाइट करके उसे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, जिससे बेचारा बंदर भाई भी सोच में पड़ गया कि ये कौन सा कीड़ा है जो हाथ में नहीं आ रहा। लेजर को देखकर उसके साथी भी उसकी तरफ आए और देखने लगे, जो कह रहे होंगे लगता है बड़ी ही खतरनाक कीड़ा है, जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा। मम्मी, मम्मी, कौन है, कौन है आप? तू है कौन रे? निकल जा, निकल निकल भगवान, मेरा सबर छटा जा रहा है, निकल। यहाँ ये कुत्ता भाई कई देर से खाली फोकट ही भोग रहा था, जो शांत बैठने का नाम ही नहीं ले रहा, जिस वजह से उसकी ओनर ने एक बिल्ली को इसके सामने छोड़ा। तब बिल्ली ने उसे सिर्फ मारने की एक्टिंग की, जिससे कुत्ता भाई डर गया और रोने लगा। लगता है इस जगह पर बिल्ली का जलवा है, शायद इसी वजह से उसने एक कारनामा करके दिखाया है। चुप बे, आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। समझ में आया मैं कौन हूँ? अब बाबू भाई, आपने 2 साल में 20 रॉबरी की, आपका दूसरा नाम आतंक है। कुत्ते आमतौर पर नॉनवेज खाना ही खाते हैं, और कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत वेज खा लेते हैं। आज कमाएंगा तो कल खाएंगा, नहीं खाएंगा तो हगेंगा कसम मेरा भाई। लेकिन यहाँ ये कुत्ता भाई बाकी सबसे अलग है, क्योंकि ये इस बकरी के साथ घास फूस खाने में लगा है, जो बड़े मजे से पेड़ के पत्ते खा रहा है। अब पता नहीं भाई की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इसने ये कारनामा कर दिया, या फिर शायद अपना कुत्ता भाई बकरी को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कर रहा है। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया? क्या बोलती है तू? अबे चुप। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। गाइस, अभी तक आपने कुत्ते या फिर बिल्ली का बर्थडे सेलिब्रेट होते हुए देखा होगा, जो कि बड़ा ही प्यारा होता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी बड़े हाथी का बर्थडे होते देखा है? नहीं ना। तो यहाँ देखिए, ये वीडियो है तमिलनाडु की, जिसमें अकीला नाम के हाथी का बर्थडे मनाया जा रहा है। इसके चलते हाथी को काफी सारे फल खाने के लिए दिए गए हैं और बाकी सब हैप्पी बर्थडे गाने में बिजी हैं, जिससे खुश होकर ये हाथी भी कितने मजे से अपना सिर हिला रहा है, जो सच में एकदम रेयर नजारा है। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक।
गाइस, क्या आपने किसी जानवर को मैदानी गेम खेलते देखा है? आप में से कई लोगों का जवाब भी हाँ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल कई जानवर यानी कुत्ता बिल्ली बॉल के साथ बड़े मजे से खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन आपने मछलियों के ग्रुप को फुटबॉल खेलते हुए तो बिल्कुल नहीं देखा होगा। इसीलिए यहां देखिए, ये आदमी फिश टैंक के अंदर एक छोटी फुटबॉल डालता है, जिसके बाद अंदर के मछलियों का गेम शुरू हो जाता है। और ये लो, एक मछली ने तो गोल भी कर दिया। क्या आपने ऐसा नजारा पहले भी कभी देखा था? नहीं ना? तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। भाई, बंदर खाने के लिए कहीं पर भी आ जाते हैं, फिर चाहे वो कोई सोसाइटी ही क्यों ना हो। ठीक वैसे ही इस सोसाइटी में ये दो बंदर खाने की तलाश में घुस गए और इन लोगों की तरफ बढ़ने लगे, जिसमें से एक ने यहाँ आकर इस आदमी का पैर ही पकड़ लिया जो शायद खाने के लिए पैर पड़ रहा था। Holy shit, he's grabbed my leg. लेकिन तभी वहां इस बंदर का साथी आया और उसे वहां से लेकर निकलने लगा, जो कह रहा होगा, आज इसने जरा ज्यादा घटक ली है तो इसे माफ कर देना बॉस। चश्मी शंकर, ये काय रे? बहुत भूख लगी है, एक केला दो ना। मत मालिक, घर चल, तुझे बताती हूँ। खैर, जानवरों के ऐसे कारना भी कभी खत्म नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको इनमें से कौन से जानवर की क्लिप सबसे मजेदार लगी और हंसा देने वाली लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। और यार, ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है तो इसे एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।